अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम एचएस सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से कीबोर्ड की हेल्प से सेल कर सकते हैं। अगर आपका एक स्टोर ऐसा है जहाँ बहुत रश होता है, बहुत बिजी स्टोर है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि फास्ट बिलिंग करें आप, जैसे कि फार्मेसी, सुपर स्टोर, कन्फेक्शनरी स्टोर, किसी भी किस्म का मार्ट है, या जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप जल्दी से अपना काम फिनिश करें, तो उसमें आपको बताते हैं हम किस तरह से यूज़ कर। देखें, सबसे पहले तो हम सेल विंडो ओपन करते हैं। मोस्टली ये काम हमारा सेल या सेल रिटर्न ही मोस्टली ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो अभी हम आल्ट एस प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेल विंडो ओपन होगी। ठीक है, आल्ट एस प्रेस करेंगे, सेल विंडो ओपन हमारे पास ओपन हो जाएगी। सेल जैसे सेल विंडो हमारे पास ओपन होगी ना, तो हमारे पास यहाँ पर कस्टमर में कर्सर आ जाएगा। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट जो कर्सर होता है हमारे पास वो कस्टमर में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, लेट्स से कि हमने कुछ भी कस्टमर चूज़ नहीं करना। हम चाह रहे हैं कि कोई भी कस्टमर चूज़ ना करें, ऐसी ऐसी रहने दें, या अगर आप चाहते हैं कस्टमर चूज़ करें, लेट्स से कि हम या किसी कस्टमर का नाम लिखें। ठीक है, या हम ऐसा करिए, देखें यहाँ पर हम चलने का डेमो कस्टमर सेव नहीं किया, वैसे हमने लिखा है। ठीक है, अब अगर लिस्ट में होगा कस्टमर, जैसे कि हमारे पास लिस्ट में कस्टमर आना, जैसे रमजान अली हमारे पास लिस्ट में आ गया। ठीक है, तो इसको हम चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हम कस्टमर चूज़ करेंगे या हम इस कस्टमर पे एंटर प्रेस करेंगे ना, यहाँ पर एंटर की यूज़ करेंगे इस जगह पर, या एंटर की यूज़ करेंगे, तो जैसे एंटर की यूज़ करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो आ जाएगा आइटम नेम में। ठीक है, हमारा जो कर्सर है वो आइटम नेम में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आइटम सर्च करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पैनडोल है, कोई भी आइटम हो सकती है, वो हमने यहाँ पर चूज़ करनी है जी। हमने जो अप डाउन लेफ़्ट राइट की होती है ना, डाउन की से हमने ये चूज़ कर लिया, एंटर की प्रेस की। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आइटम यहाँ पे चूज़ हो चुकी है। अब हमारा जो कर्सर है वो बाय डिफॉल्ट आ गया क्वांटिटी के ऊपर, कितनी क्वांटिटी हमने देनी है, 10 देनी है, 15 देनी है। अच्छा, 10 ही 10 लिखा ना। अगर अब हमने लेट से आगे जाना है, हमने इसकी कीमत चेंज करनी है, डिस्काउंट देना है, देन हम टैब की प्रेस करेंगे। टैब से हम आगे चले जाएंगे, देखें। ठीक है, लेट से डिस्काउंट देना है, 1% डिस्काउंट दे दिया। अब अगर आपने पीछे जाना है, बैक में जाना है, तो शिफ्ट और टैब यूज़ करेंगे, शिफ्ट टैब। ठीक है, अब आपने लेट्स से डिस्काउंट को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे जीरो कर देते हैं, डिस्काउंट जीरो हो जाएगा। शिफ्ट टैब भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो लेफ्ट राइट कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अच्छा, अब एंटर्स क्या होता है, एंटर की जब भी आप प्रेस करेंगे तो एक नई रो ऐड हो जाती है। जब भी आप एंटर की प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास नई रो ऐड होती है, जैसे ये ऐड होगी। अब लेट्स से हमने यहाँ पे सन्स लिख देना, ये हमने चूज़ कर लिया। ठीक है ना, ये हमारे पास चूज़ हो गया। अच्छा, अब ये भी कितने देने हैं, लेट्स से 5 देने हैं। ठीक है, अब अगर आप वापस ऊपर पैनडोल पे ऊपर आइटम वापस जाना चाह रहे हैं, तो आप आपकी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी फ्लैट से आपने आज की 6 करनी है तो 6 कर दी। ठीक है, और अब लेट्स से कि आप यहाँ पर जो आइटम है ना, वो जो सर्च करना चाह रहे हैं, आइटम अगर सर्च करना चाह रहे हैं किसी और क्राइटेरिया से सर्च करना चाह रहे हैं, लेट्स से आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम आइटम को सर्च करें जी, जैसे कि यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया हमारे पास चूज हुआ जी प्रोडक्ट, तो हम कोई और यहाँ पर सर्च क्राइटेरिया चूज़ करें बगैर माउस यूज़ किए, तो F5 प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो कर्सर है वो सर्च क्राइटेरिया पे आ जाएगा। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम जेनेरिक से सर्च करें, या कैटेगरी से सर्च करें, या मैन्युफैक्चरर से सर्च करें, वो हम चूज़ कर सकते हैं। हम जेनेरिक करते हैं, जेनेरिक चूज़ हो जाएगा। अच्छा, अब आपने यहाँ से वापस आना है आइटम विंडो के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर F3 यूज़ करेंगे। F3 की यूज़ करेंगे, हमारे पास वापस आइटम विंडो में आ गया। नहीं तो अगर F3 नहीं यूज़ करनी, तो हम यहाँ पर F9 की यूज़ कर सकते हैं। F9 से हमारा जो कर्सर है वो क्वांटिटी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वापस क्वांटिटी के ऊपर कर्सर आ जाएगा हमारा। ठीक है, या आइटम F3 से आइटम पे आता है, और F9 से क्वांटिटी के ऊपर आता है। ठीक है, अब लेट्स से कि हमने एक और आइटम सर्च करनी है, अब इसके जेनेरिक से सर्च करना चाह रहे हैं, लिखेंगे आइटम हमारे पास जेनेरिक से आ जाएगी। अब हमने वापस उसको करना है जी सर्च क्राइटेरिया को करना है प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम F5 प्रेस करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट पे चूज़ हो गया। यहाँ पे हम प्रोडक्ट चूज़ कर लेंगे, दोबारा हम F3 प्रेस करेंगे, हमारे पास आइटम नेम में आ गया। अब ये विंडो हमने क्लोज़ करनी है, ये आइटम वाली, एस्केप की प्रेस करेंगे, ये विंडो क्लोज हो जाएगी। अब लेट्स से हमने ऊपर जो एक आइटम हम और चूज़ करते हैं, यहाँ पे ये पहला मन, अब इसको लेट्स से हमने रिमूव करना है, तो हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप फर्ज करेंगे हमने यहाँ पर जाना है जी रिमार्क सेंटर करने हैं, तो रिमार्क से हम F7 की प्रेस करेंगे, रिमार्क सेंटर कर सकते हैं, डेमो सेल। इसी तरह हम वापस आने के लिए हम F9 यूज़ करके क्वांटिटी पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए अगर आप एंटर की यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, हम कंट्रोल एन यूज़ कर सकते हैं न्यू रो ऐड करने के लिए, कंट्रोल एन यूज़ कर सकते हैं, फिर इसको क्लोज करने के लिए एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर अगर कस्टमर वे वापस जाना चाह रहे हैं, कस्टमर चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप F8 टू प्रेस करेंगे तो आप कस्टमर वापस चले जाएंगे कस्टमर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और अगर आप कस्टमर विंडो ओपन करना चाह रहे हैं, आप किसी कस्टमर को सर्च करना चाह रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप F1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे किसी के फ़ोन नंबर से नाम से आप यदि सर्च कर सकते हैं, कस्टमर को चूज़ कर सकते हैं, सन से इसको हमने चूज़ कर लिया, ठीक है ना। अब लेट्स आए, आप क्या करना चाह रहे हैं जी, वापस आप चाह रहे हैं कि फ्लैट डिस्काउंट दें, आप मुकम्मल इनवॉइस पर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो देखें डिस्काउंट पे आ गया, डिस्काउंट वगैरह दे के हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम जीरो कर देते हैं, ठीक है, डिस्काउंट हमारे पास जीरो हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं जी आपने पेमेंट अमाउंट एंटर करनी है कि कितनी पे कस्टमर ने कितना पे किया, तो आप F2 यूज़ कर सकते हैं, F2 से आप पेमेंट में आप इसमें आ जाएंगे, ठीक है, पेमेंट अमाउंट एंटर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी भी पेमेंट आपने एंटर करनी है तो आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। वापस अगर आपने आना है जी इस पे आइटम्स पे, तो आप F3 यूज़ कर रहे हैं या F9 यूज़ कर रहे हैं, F3 से आप क्वांटिटी भी आते हैं, और सॉरी F3 से आप आइटम विंडो के अंदर आते हैं और F9 से आप क्वांटिटी भी आते हैं, ठीक है। एंटर अगेन प्रेस करेंगे तो आप कोई आइटम मजीद चूज़ कर सकते हैं, स्केप इस तरह करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप अगर ये चाहते हैं जी आप इस विंडो को होल्ड करें, इस विंडो को होल्ड करें और नया बिल बने, तो आप कंट्रोल एस यूज़ कर सकते हैं, ये विंडो होल्ड हो जाएगी। आप चाहते हैं इस विंडो को क्लोज़ करें तो कंट्रोल ई प्रेस करें, यहाँ पे विंडो ये क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। और इसको आप सेव करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करें तो ये सेव हो जाएगा, यस करेंगे तो सेव हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट नो करेंगे तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से कि हमने क्या करना है कि सेल हिस्ट्री में जाना है, तो आल्ट एच प्रेस करें, सेल हिस्ट्री में चले गए आप। अब यहाँ पे किसी डेट के बिटवीन आप सर्च भी कर सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट आइटम हिस्ट्री पे लिस्ट में आना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिस्ट में आ जाएंगे। देखें हमारे पास लेट्स से हमने ये जो इनवॉइस नंबर 8 वाला बिल है इसको करना है जी रीप्रिंट करना है या मॉडिफाई करना है, तो हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे, ठीक है। हमारा जो कर्सर आ गया हमारे पास आ गया, टैब की प्रेस करेंगे, हमारे पास रीप्रिंट व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या जो भी करना चाहे कर सकते हैं। अब लेट्स से इसको हमने करना है जी मॉडिफाई फर्ज कर लें या रीप्रिंट करना है, तो आप एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास ये इसकी मॉडिफिकेशन विंडो में आ गए। इसको मॉडिफाई करनी है या नहीं मॉडिफाई नहीं करना, तो कंट्रोल एक्स एक्स से ये कैंसिल होता है, ये पेज सारा क्लियर हो जाता है, कंट्रोल एक्स से कंट्रोल एक्स प्रेस किया कैंसिल होगी। अब आपने फर्ज करें रिटर्न करना है तो आप आल्ट आर प्रेस करें, आल्ट आर प्रेस करेंगे, हमारे पास ये जो बाय डिफॉल्ट जो कर्सर होता है वो रिटर्न टाइप पे आता है, इनवॉइस रिटर्न करना है, मैनुअल रिटर्न करना है, फर्ज करें आपने मैनुअल रिटर्न करना है या इनवॉइस रिटर्न करना है, आप चूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने करना है जी मैनुअल रिटर्न, तो आप मैनुअल रिटर्न पे चूज़ कर लिया। अब आप F3 प्रेस करेंगे तो आपका जो आइटम पे आ जाएगा कर्सर कि आपने कौन सी आइटम रिटर्न करनी है। अब यहाँ पर हम सनसिल्क शैम्पू है, ये एंटर प्रेस किया, चूज़ किया, रिटर्न को कितनी क्वांटिटी रिटर्न करनी है दो कर ली, फिर एंटर प्रेस किया, आपके पास कर्सर आपके पास आइटम नेम पे आ जाएगा, ये पैरेंट और लेट्स से रिटर्न कर चूज़ करनी है, फिर ये चूज़ किया, पर आपका कर्सर दोबारा रिटर्न क्वांटिटी पे आ गए, ये दो कर लिया, ठीक है। और अब अगर आप कस्टमर चूज़ करना चाह रहे हैं तो F8 प्रेस करें इसी तरह जैसा कि डेमो, ठीक है। रिमार्क्स एंटर करें तो F7 प्रेस करें, डेमो रिटर्न, कंट्रोल एस प्रेस करें इसको सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए यस करें, नो अदरवाइज नो। अब वापस सेल विंडो में जाना है तो आल्ट एस प्रेस करें, आप सेल विंडो में वापस आ गए, ठीक है। इसकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी यहाँ पर आप विंडोज़ पे क्लिक करके विंडोज़ पे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हेल्प है यार शॉर्ट कीज़ हैं, यहाँ पर इसकी जो शॉर्ट कीज़ हैं अगर आपके पास नहीं है तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर शॉर्ट कीज़ इसकी यहाँ पर शो हो रही होती हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप मुकम्मल इसको अपनी बिलिंग को फास्ट कर सकते हैं और मुकम्मल कीबोर्ड के ज़रिए अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, सेल वगैरह कर सकते हैं और अपने काम आसान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।